दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही जबरदस्त प्रोफेशनल और एडवांस्ड डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर के बारे में बताने वाला हूं, जिसका साइज तो सिर्फ 2 MB है, लेकिन यह आपके किसी भी डिवाइस का डेटा फटाफट अंदाज में रिकवर करके आपको दे देता है। चाहे आपका डिवाइस कोई भी हो, आपका लैपटॉप हो, पीसी हो, मैकबुक हो, आपका मोबाइल फोन हो, इंटरनल या फिर एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हो, पेन ड्राइव हो, एसडी कार्ड हो या फिर आपका मेमोरी कार्ड हो, और आपका डेटा किसी भी फॉर्मेट में हो, अगर आपका डेटा जाने या फिर अनजाने में डिलीट हो गया है, करप्ट हो गया है, फॉर्मेट हो गया है या फिर किसी भी वजह से आपका डेटा लॉस हो गया है और आप अपने डेटा को रिकवर करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप ये काम इस सॉफ्टवेयर की मदद से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और दोस्तों ये सॉफ्टवेयर 1000 फाइल फॉर्मेट को सपोर्ट करता है, तो आप सोच सकते हैं कि ये सॉफ्टवेयर कितना यूजफुल है। तो चलिए अब मैं आपको लेकर चलता हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और आपको बताता हूं कि ये काम आपको कैसे करना है। तो आइए दोस्तों आज कुछ नया सीख। तो अब दोस्तों सबसे पहले आपको अपने फेवरेट ब्राउजर को ओपन करना है और उस ब्राउजर में आपको इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। इस वेबसाइट का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस पे क्लिक करके आप इस वेबसाइट को डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं, जिसका इंटरफेस आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। दोस्तों इस सॉफ्टवेयर का नाम है TenorShare 4DDIG डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर, जो एक बहुत ही प्रोफेशनल और एडवांस डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर दोस्तों विंडोज 11, 10, 8.1, 8 और 7 ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है। ये सॉफ्टवेयर मैक को भी सपोर्ट करता है। अगर आपके पास मैक है तो आप मैक के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपके पास विंडोज है तो विंडोज के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर दोस्तों हर सिनारियों में डेटा को रिकवर करता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, डिलीटेड फाइल्स रिकवरी, फॉर्मेटेड ड्राइव रिकवरी, लॉस्ट पार्टीशन रिकवरी, एक्सटर्नल डिवाइस रिकवरी, क्रैश कंप्यूटर रिकवरी और रॉ फाइल रिकवरी। इसके अलावा दोस्तों ये सॉफ्टवेयर 1000 प्लस डेटा टाइप को रिकवर करता है, यानी कि 1000 प्लस फाइल फॉर्मेट को सपोर्ट करता है। वो सारा फॉर्मेट आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये फोटो का सारा फॉर्मेट है, वीडियो का फॉर्मेट है, ऑडियो का है, ऑफिस डॉक्यूमेंट, ईमेल एंड आर्काइव एंड अदर, ये सारा फॉर्मेट है। तो आपका फाइल, आपका डेटा किसी भी फॉर्मेट में हो, ये सॉफ्टवेयर आसानी से आपके डेटा को रिकवर कर सकता है। और ये सॉफ्टवेयर किस किस डिवाइस को सपोर्ट करता है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, कंप्यूटर, लैपटॉप, एसडी मेमोरी कार्ड, टीएफ कार्ड, यूएसबी फ्लैश ड्राइव, मेमोरी स्टिक, सीडी, डीवीडी, एचडीडी, एसडीडी, डिजिटल कैमरा, इतने सारे डिवाइस है जिनको ये सपोर्ट करता है। और यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि मैंने आपको बताया 11, 10, 8, 7 और ये सारा फाइल सिस्टम है। तो अब दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको ये जो फ्री डाउनलोड का बटन दिया है इस पे आपको क्लिक करना है और इसके छोटे से सेटअप को आपको डाउनलोड कर लेना है, जिसका साइज है 2 MB के आसपास, 2 MB से भी कम है। डाउनलोड करने के बाद आपको इस सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेना है, जैसे आप दूसरे सॉफ्टवेयर नॉर्मली अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं। मैंने इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया है, आपको भी डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है और इस सॉफ्टवेयर को ओपन करना है, जिसका इंटरफेस आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं कंप्यूटर का सारा ड्राइव आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, कॉमन लोकेशन है, एडवांस रिपेयर है, अगर आप किसी सिलेक्टेड फोल्डर से अपने डेटा को रिकवर करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई डेटा को डिलीट किया और आपने रिसाइकल बिन से भी उसको डिलीट कर दिया, वहां से भी गायब कर दिया, उसको भी आप रिकवर कर सकते हैं। तो अभी दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास ये एक पेन ड्राइव है, मैं इस पेन ड्राइव को अपने लैपटॉप में लगा देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसे अपने लैपटॉप में लगा दिया है। लैपटॉप में लगाने के बाद से अब मैं यहाँ पे इसको ओपन करता हूँ और आप ये देख सकते हैं मेरे इस पेन ड्राइव के अंदर 2 फोटो है, 1 वीडियो है और 1 PDF फाइल है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले इस पर राइट माउस क्लिक करके मैं अपने इस पेन ड्राइव को फॉर्मेट कर देता हूँ, ताकि इसके अंदर जो भी डेटा है वो सारा यहाँ से क्लीन हो जाए। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसको फॉर्मेट कर दिया है। दोबारा से पेन ड्राइव को ओपन कर रहा हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं इस पेन ड्राइव के अंदर अब कोई भी डेटा नहीं है। तो इस पेन ड्राइव के अंदर जो भी डेटा था उसको रिकवर करना है, तब उसके लिए वापस आपको यहाँ पे आना है, इस सॉफ्टवेयर को ओपन करना है और यहाँ से पहले मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए मैंने पेन ड्राइव को सिलेक्ट किया, किसी ड्राइव के फोल्डर से कैसे रिकवर करेंगे वो भी मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है।
यहाँ पे देखिए यूएसबी ड्राइव को सिलेक्ट करने के बाद से नीचे स्टार्ट का बटन दिया है, स्टार्ट पे क्लिक किया। यहाँ पे दोस्तों ये पूछ रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ फाइल्स डू यू वांट टू रिकवर। आपके डिवाइस से जो आपका डेटा डिलीट हुआ है, अगर आपको पता है कि आपका वो डेटा सिर्फ फोटो है, वीडियो है या फिर डॉक्यूमेंट है, तो आप यहाँ पे मैनुअली भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उस डिवाइस का सारा डेटा, ऑल टाइप्स ऑफ फाइल आप रिकवर कर पाए, फिर आपको यहाँ पे ऑल फाइल टाइप्स को सिलेक्ट करने देना है। नीचे यहाँ स्कैन ऑल फाइल टाइप्स पे क्लिक करना है। ये आपके उस डिवाइस को डीपली स्कैन करेगा और आपके सारे डिलीटेड डेटा को आपके सामने ला करके रख देगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अब यहाँ पे ये डीप स्कैनिंग इसने शुरू कर दिया है। स्कैनिंग दोस्तों कंप्लीट हो चुका है। अब आपको अपने डिलीटेड फाइल्स को यहाँ पे ढूंढ लेना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपके उस डिवाइस में पहले जितने भी डिलीट हुए हैं वो सारा डेटा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ लेफ्ट साइड में देखिए आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, डिलीटेड फाइल्स, टैग फाइल्स, रॉ फाइल्स, लॉस्ट लोकेशन। तो हमारा था फोटो, एक डॉक्यूमेंट था, एक वीडियो था। तो यहाँ देखिए रॉ फाइल्स पे क्लिक करता हूँ और यहाँ जेपीजी पे क्लिक करता हूँ और आप देखेंगे यही वो फोटो है जिसको मैंने डिलीट किया था अपने पेन ड्राइव से, और उसके अंदर एक वीडियो था जो कि मेरा एक्सरसाइज का वीडियो था। वो वीडियो यहाँ पे आप देख सकते हैं, वही ये वीडियो था, बैक एक्सरसाइज में इसमें कर रहा हूँ, ये वीडियो था। एक पीडीएफ फाइल भी था। तो यहाँ ऊपर देखिए फाइल व्यू का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करता हूँ, डॉक्यूमेंट के अंदर आता हूँ, यहाँ देखिए पीडीएफ फाइल, ये पीडीएफ फाइल यहाँ पे मिल गया। तो अब इसको रिकवर करने के लिए आपको क्या करना है, अपने सभी उस डेटा को इस तरह से आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसमें इस वीडियो को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, जेपीजी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ नीचे रिकवर बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे ये लोकेशन पूछ रहा है कि आपको किस लोकेशन पे अपने डेटा को, रिकवर डेटा को सेव करना है। तो देखिए मैंने सी ड्राइव पे क्लिक किया, उसके बाद से मैं यहाँ पे यूजर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे यूजर नेम को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं सेव करूंगा डेस्कटॉप पे। तो डेस्कटॉप पे पहले मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ और उस फोल्डर के यहाँ पे देखिए न्यू फोल्डर क्रिएट हो गया, इसके अंदर मैं इसको रिकवर कर लेता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं रिकवर होना स्टार्ट हो चुका है और रिकवर भी हो चुका है। डेस्कटॉप पे आते हैं, न्यू फोल्डर यहाँ पे है, इसको ओपन करते हैं और इसके अंदर ये फोल्डर है जी नाम से, इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे रॉ फाइल है जेपीजी, अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इसको लार्ज करके आपको दिखा देता हूँ, यही वो इमेज है। उसके बाद से हमने वीडियो को भी कवर किया था, तो वापस आते हैं, यहाँ MP4 है, इसको ओपन करते हैं। इस वीडियो को आपको यहाँ पे प्ले करके दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं ये वो वीडियो है मेरा। और एक पीडीएफ फाइल को भी हमने यहाँ पे रिकवर किया था, तो वो भी आपको यहाँ इसके अंदर मिल जाएगा, देखिए ये वो पीडीएफ फाइल है। इस तरह से दोस्तों आप अपने किसी भी डिवाइस से अपने किसी भी लॉस्ट डेटा को रिकवर कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको एक्सटर्नल डिवाइस यानी कि पेन ड्राइव का दिखाया। अगर मान लो आप अपने कंप्यूटर के किसी ड्राइव के किसी फोल्डर से कोई डेटा डिलीट कर देते हो, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए मैं ओपन करता हूँ ई ड्राइव और इसके अंदर मेरा एक फोल्डर है जिम पिक्स, इसके अंदर आप देख सकते हैं मेरा ये तीन फोटो है। मैं इन तीनों को इस तरह से सिलेक्ट करता हूं और तीनों को सिलेक्ट करने के बाद से इन तीनों फोटो को यहां से इस फोल्डर से डिलीट कर देता हूं और यहां डेस्कटॉप पे आके रिसाइकल बिन को भी मैं एम्प्टी कर देता हूं। ठीक है, आप देख सकते हैं रिसाइकल बिन यहां पे खाली हो चुका है। अगर इस डेटा को रिकवर करना हो तो आपको वापस से इसको ओपन करना है और यहाँ पे कॉमन लोकेशन में देखिए सिलेक्ट फोल्डर, इस पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ था हमारा लोकेशन, आपको यहाँ पे पाथ को सिलेक्ट कर लेना है। ई ड्राइव के अंदर था जिम पिक्स फोल्डर, इसके अंदर वो इमेजेस था जिसको मैंने डिलीट किया था, उसको सिलेक्ट करने के बाद से फोल्डर को स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। फिर से आपको यहाँ स्कैन ऑल फाइल टाइप्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे स्कैनिंग स्टार्ट हो जाएगा, टाइमिंग आप देख सकते हैं 3 मिनट लेगा, ऑलमोस्ट यहाँ पे हो ही गया। डिलीटेड फाइल्स पे यहाँ पे देखिए क्लिक करते हैं, इसके अंदर जिम पिक्स है और ये तीनों फोटो यहाँ पे आ चुका है। मैं इसको तीनों को सिलेक्ट करता हूँ। इन तीनों इमेज को सिलेक्ट करने के बाद से अब मैं यहाँ नीचे रिकवर बटन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे फिर से ये लोकेशन पूछ रहा है, तो यहाँ पे देखिए मैं लोकेशन सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं इसको फिर से डेस्कटॉप पे सेव करूंगा। डेस्कटॉप पे मैं पहले एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम दे देता हूँ रिकवर्ड फाइल। ठीक है, रिकवर्ड फाइल मैंने नाम दे दिया, यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया और इसके अंदर मैं इसको रिकवर कर देता हूँ। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं रिकवर्ड फाइल के नाम से फोल्डर आ चुका है। मैं इस फोल्डर को इसको ओपन करता हूँ, ये है, और यहाँ पे दोस्तों इसके अंदर देखिए डिलीटेड फाइल्स और जिम पिक्स, आप इसके अंदर दोस्तों देख सकते हैं वो सारा इमेज आ चुका है, रिकवर्ड हो चुका है। मैं दोस्तों यहाँ पे लाइसेंस वर्जन यूज कर रहा हूँ, अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो परचेज कर सकते हैं। आप यहाँ बाय नाउ पे आकर के क्लिक करना है आपको, और अभी दोस्तों यहाँ पे फेस्टिव सीजन चल रहा है तो आपको यहाँ पे 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर 1 मंथ का लेते हैं तो $45.95 में मिल जाएगा।
एक महीने के लिए, एक साल का लेंगे तो $55.95 का मिल जाएगा, अगर लाइफ टाइम के लेना चाहते हैं तो $75.95 का मिल जाएगा। इस पे आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप एक प्रोफेशनल हैं या फिर बिजनेसमैन हैं तो ये सॉफ्टवेयर आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो सकता है। आप इस सॉफ्टवेयर को एक बार ट्राई करके जरूर देखिए और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो आप इसको लाइक करिए, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर करिए। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए और साथ में दोस्तों बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि मेरे हर नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे।